कुशीनगर, द प्लेस वेयर द ग्रेट पेसिफायर, द ग्रेट टीचर अटेंड महापरिनिर्वाण। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे जहां पर भी होंगे। आपने मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा जो मैंने विपस्ना मेडिटेशन के ऊपर बनाया था, और मैंने आपको बताया कि मेरी जो यात्रा रही है विपस्ना मेडिटेशन को लेकर के, और मैंने किस तरीके से अपने 10 दिन उस विपस्ना मेडिटेशन सेंटर में गुजारे। उस वीडियो के एंड में मैंने आपको बताया कि अगला वीडियो मेरा कुशीनगर, जो कि बुद्ध भगवान का महापरिनिर्वाण स्थली है, उस जगह की यात्रा के बारे में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, जहां हमने अपना पिछला वीडियो ख़त्म किया था। तो ये था हमारा कमरा, छोटा सा, सामने मच्छरदानी। तो यहाँ पे गुजारे 10 दिन, और अब समय हो चुका है कि निकला जाए यहाँ से। तो अभी फ़िलहाल ये बैग छोड़ के यहाँ जा रहे हैं, और पहले जा कर के विज़िट करेंगे कुशीनगर, जो मेन टेम्पल है जहाँ पर बौद्ध भगवान का महापरिनिर्वाण हुआ था, वो विज़िट करते हैं, और फिर यहाँ से निकल करके बढ़ेंगे आगे इलाहाबाद की तरफ। ये है शायद मेन, ये वाला है कुशीनगर, द प्लेस वेयर द ग्रेट पेसिफायर, द ग्रेट टीचर अटेंड महापरिनिर्वाण। इन हिज 88th ईयर बुद्ध प्रोसीडेड टुवर्ड्स कुशीनगर फ्रॉम वैशाली। In full moon night of month of Vaishakh, he attained Mahaparinirvana. Nice and peaceful, calm. The Kushinagar, with a view to a shrine in stupas. Mauryan Emperor Ashoka visited Kushinagar in his Dhamma Yatra, the pilgrimage, and erected stupa and some buildings over there. In the reign of Gupta King Kumar Gupta, a Buddhist pilgrim Faihan from China visited Kushinagar. A devout Buddhist Haribal donated the colossal image of reclining Buddha and possibly restored or renovated the main stoop behind it. It is said that the Chinese pilgrim Huanzang in 7th century CE had seen 3 stupas and 2 pillars ascribed to the Emperor Ashoka. After Huanzang, another Chinese pilgrim Yitzhing also visited Kushinagar. खिला दिया भोजन में, तो कुछ क्या वो खाने के लिए बिच्छू थे, जो भी जो देता था खा लेते थे, उसी में इनका तबीयत डैमेज हो गया। तो उसी वही तरह से आए यहाँ बैठ के लास्ट पानी यहीं पिए, किसी से आनंद दिए थे तो लास्ट पानी यहीं बैठ के पिए, और लास्ट उपदेश यहीं दिए थे। देने के बाद जो लिट्टी हुई मूर्ति है वहाँ जाकर शरीर छोड़े थे। अच्छा, फिर जलाया कहाँ गया तुमको? अरे इसी रोड पे सीधे 1.5 किलोमीटर दूर है ना, रामाबारी से, वहीं जा कर उनको अंतिम दाह संस्कार किया गया। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे आखिर बार उनको यहाँ पे क्रिमेशन हुआ था, यहाँ पर बुद्ध भगवान का। भगवान बुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाण की डेट, जो दिन तारीख था, वो लगभग उन्होंने 3 महीना पहले, 90 दिन पहले ही अपने जितने भी फॉलोअर्स थे, उनके जितने भी मानने वाले थे, उन सबको बता दिया था कि आज से 3 महीने बाद मैं अपना शरीर त्याग दूंगा। तो उस रात भी यही हुआ कि भगवान बुद्ध वैशाली से यात्रा करते हुए और कुशीनगर तक पहुँचे। भगवान बुद्ध एक भिक्षु थे, तो रास्ते में आते हुए उन्होंने खाने के लिए भिक्षा मांगी, और किसी ने उन्हें जो खाने में दिया उसकी वजह से उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई,
कुशीनगर के समीप कुशीनगर के पास आते ही उन्होंने वहाँ पर नदी से पानी निकाला और एक स्थान पर बैठकर पिया, जो कि मैंने अपने वीडियो में आपको बताया है। और वो पानी पीने के थोड़े देर बाद ही उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। वहाँ से ही 1.5 किलोमीटर दूर एक स्थली थी जहाँ पर भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया। और जैसे ही भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ, उसके बाद जितने भी भगवान बुद्ध के फॉलोअर्स थे, जितने भी राजा थे, जितने भी महाराजा उस युग में चल रहे थे, वो सारे दौड़े दौड़े आए और भगवान बुद्ध पे अपनी आधिपत्य जमाने के लिए उनके बीच में झगड़े हुए, उनके बीच में समझौते हुए। और फिर लोगों ने अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगह पर भगवान बुद्ध के स्तूप बनाए, भगवान बुद्ध के मंदिर बनाए। यहाँ तक कि कुशीनगर में भी म्यांमार टेम्पल, तिब्बतन टेम्पल, थाई टेम्पल और तरह तरह के टेम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये थी हमारी यात्रा कुशीनगर की। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाएँ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।